Hi, this is Claudia and this is Cesar. Hi. We are watching Dangal and this is part number 6. So we want to know what will happen. It's really interesting. I'm loving it. I'm really scared what's going to happen next. Okay guys, so we are not going to talk right now. So please give it a like and subscribe to the channel. And I will leave my social media here so you can follow them. Okay, so let's go for it. Let's go. दीदी आज जो हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ. क्यों ठीक नहीं हुआ? यो तो एक दिन होना ही था. किसी को तो बताना ही था कि पापा के तरीके कमजोर हैं. उनके तरीके कमजोर ना है दीदी, बस आदमी थोड़ा कमजोर हो गया. और यो मत भूलो ना कि उन्हीं कमजोर तरीकों के दम पे ही आपने नेशनल जीता है. कमजोर तरीकों से नेशनल जीता जा सकता है बबीता, इंटरनेशनल नहीं. और यो बात तो जितनी जल्दी समझ ले उतने फायदे में रहेगी. ठीक है दीदी, तो फिर आप अपने तरीकों पर भरोसा रखो. मैंने तो अभी भी पापा पे भरोसा. मैं भगवान से दुआ करूंगी तो नेशनल में अच्छा खेले. और मैं दुआ करूंगी कि आप इंटरनेशनल में अच्छा खेलो. झूठा जगरन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सामोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे. शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छांव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं. ओह
She's in Sydney. Yeah. They're both fighting. One in national and yeah. Ah, this girl. She looks big. कुछ नजर नहीं आ रहे पापा, मैं ठीक तरह नहीं खेली क्या? नहीं बेटा, तो बिल्कुल वैसे ही खेली जैसा मन ने सोचा था, पर गीता इस तरह खेल लेगी मन ने कभी ना सोचा था। और अब तो तू भी नेशनल जीत गई है, तू भी एनएसए जावेगी, तन्ने भी नया कोच मिलेगा और तेरा पापा एक बार फिर पुराना हो जाएगा। नहीं पापा, बस एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कि तू यहां तक किस तरह पहुंची है। आ गई चैंपियन। हेलो दीदी, अभी तो गुस्सा है। चल बैग में क्या भर लिया है? कितना भारी है? जसमीत, यो मेरी छोटी सिस्टर बबीता। वो तेरी पूरी फैमिली रेसलर्स दी है। यो मैं से यहाँ पेल के खाते हैं। यो लॉन्ज है, यहाँ फैल के टीवी देखते हैं। ट्रेनिंग घनी उतावली हो रही है, कल देख लेना, आज आराम कर ले। एक बात बोलो दीदी, बुरा मत मानना। बोल। आप ना बहुत बदल गए हो। मने याद है जब आप पहली बार दंगल में हारी थी, पूरी रात सोई नहीं थी, और अब इतनी बड़ी इंटरनेशनल फाइट हार के भी आप, मतलब एक सेकंड भी ना दिख रही आपके चेहरे पे दीदी। पापा ने सिखा के बैठ जाए था ना? पापा का सिखाया मैंने सब याद है दीदी, आप भूल गई हो। तू ना अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, मैं अपनी देख लूंगी। और तू क्या टीचर बन रही है? एक ही फाइट तो आ रही हूं।
गीता कुमारी सेकंड राउंड में भी पीछे चल रही हैं। काफी कोशिश करी है उन्होंने पर पॉइंट्स नहीं ले पाई हैं। ये गीता की एक और कोशिश। मोर देन वन। यस। और इसी के साथ ये मैच खत्म। गीता कुमारी मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। बड़ी ही निराशा की बात इंडिया के लिए। गीता कुमारी से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। और जकार्ता में भी गीता पहले ही राउंड में बाहर हो गई है। इस्तांबुल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गीता की करारी हार। और इंतजार करना होगा गीता को इंटरनेशनल मेडल के लिए। This trainer doesn't look. Yeah, he definitely not doing well. देख गीता, हिम्मत मत हार। हमने बहुत मेहनत की तो अच्छा खेली भी, बस जीत नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं से भी खराब है। होता है, कुछ लोग नहीं बने होते इंटरनेशनल। What are you saying? Now I think she will come back. Yeah. How someone can say this? Like, you're training this person. You're a trainer. You cannot say that. It's your fault, actually. Yeah, it's his fault. लग गया मैं इंटरनेशनल मेडल के लिए ना बनी। वो मैं नहीं जानती थी, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप वो छोरी हो जिसने दंगल में छोरों को आप वो छोरी हो जिसने अंडरवेट हो गया भी सब जूनियर जीती। आपने नेशनल में 3 साल तक सबको धूल चटाई है। अगर आप इंटरनेशनल के लिए ना बड़ी हो तो फिर मैंने ना पता कि इंडिया में कौन सी छोरी इंटरनेशनल के लिए बड़ी है। और जितना भरोसा मैंने है ना आप पे, उससे कहीं ज्यादा भरोसा पापा को। Yeah, she's pretty. एक बार बात तो करो, किस मुंह से बात करूं? पापा है हमारे दीदी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 गालियां ही देंगे ना, खा लेना। उनकी गालियां भी तो हमेशा काम आई है ना हमारे। बात दवाई ऑफिस से बबीता से बात हुई, कह रही थी कि ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। और कितना ठीक ना है, एक बार बात तो कर लियो। Right on time. Yeah. Hello? Gita? Huh? Look. Gita? Talk to her. Come on, Baba. Come on, please. Oh, he breaks. Like, even though it's not dollar, it's his dollar as well. He breaks, obviously. Oh, he's also crying. They're not talking anything, they're crying on the phone. Yeah, they're just crying. Oh.
great goal. Seriously. भारत में होने वाले अब तक के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट 19th कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने में बस 6 महीने बाकी हैं। अब देखना ये है कि जिस स्पोर्टिंग इवेंट में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, उसमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। When we see her with the haircut, it's like, oh, nice. When she rolls with her, oh. इस बार Commonwealth Games में मुझे तुम लोगों से 3 मेडल चाहिए. अब वो मेडल तुम 3 लाओ, तुम 3 या तुम 3, मुझे फर्क नहीं पड़ता. 6 महीने रह गए, बस झोंक दो खुद को, समझे? चलो, गीता, इधर. 1 मेडल तू लाएगी. Yes, sir. पर उस कैटेगरी में नहीं जिसमें तू हार रही है. बल्कि उस कैटेगरी में जिसमें तू जीत सकती है, समझी? देख, 55 किलो कैटेगरी में तेरा टिक पाना मुश्किल है. अब तक ये बात तो तू भी जान चुकी होगी. 51 किलो में लड़ेगी तो टिक पाएगी और शायद जीत भी जाए. सबका डाइट स्ट्रिक्ट मॉनिटर करना है. मुझे कोई गलती नहीं चाहिए. सर, मैंने 55 किलो में ही लड़ना है. 55 किलो में लड़ेगी तो कुछ नहीं हाथ आना. इनका 4 किलो कम करना है. नया डाइट बना दूं. यस सर. कल से तेरी 51 किलो की ट्रेनिंग शुरू. ओह नो. कम ऑन गर्ल्स. किस तरह यानी जीतेगी 55 में, हैं? कोई जरूरत ना है वजन कम करने की. तू 55 में ही लड़ेगी और 55 में ही जीतेगी. मैं आ रहा हूं पटियाला. ओह यस. गो देयर. केकी सास प्लीज. पटियाला में तो अपना कोई भी ना है. किस तरह रहोगे? ओह माय गॉड. 6 मंथ्स किराए पे. और खाना बना लूंगा. खाना मैं अपने घर दूंगा ताऊ जी. ओह मैं सोच रहा था मैं भी साथ चलता हूं. तू क्या करेगा? आके ना वो अभी तक प्रैक्टिस मेरे साथ ही करी है. सब बढ़िया ही रहा है. आगे भी करेंगे तो बढ़िया रहेगा. और मने लग गया उनका गुड लगना मैं ही हूं. ऐसा मने लग गया है. ताऊ जी सब्जी भी ला दूंगा, काट भी दूंगा, सब भाग दौड़ भी कर लूंगा, आपके पैर आपको कोई लोड नहीं आने दूंगा. चांस नहीं ले सकते. गोल्ड की तैयारी कर लो आप. कोई और कमरा ना है सेम बजट में. अच्छा है. हाँ वैसे है तो अच्छा, मानना पड़ेगा. ओके गाइस, लेट्स स्टॉप इट अगेन सो वी कैन मेक द पार्ट नंबर 7. वी विल सी यू देयर. सी यू देयर गाइस.